तो गरीब साइंटिस्ट में सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे सैटर्न के अराउंड जो 20 न्यू मून्स ढूंढे हैं उनके बारे में। हाँ, मुझे बताया, काफी टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाला। एक नया इनडेप्थ वीडियो आ रहा है, इंतजार कीजिए उसका, जल्दी आ जाएगा। उसके ऊपर काम कर रहा हूँ थोड़ा इनडेप्थ। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने 20 न्यू मून्स ढूंढे सैटर्न के अराउंड, उसमें से अभी टोटल 82 नोन मून्स हो गए सैटर्न के अराउंड। करंटली जुपिटर किंग ऑफ मून्स था, जिसके पास 79 नोन मून्स थे, अभी सैटर्न बन गया है। ये डिस्कवरी स्कॉट शेपर्ड, जो कार्नेगी इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस वॉशिंगटन डीसी में है, उन्होंने की। उनके साथ उनके कलीग्स भी थे, डेविड जोएट और जैन केलना। इन्होंने सुबारु टेलीस्कोप जो हवाई में है ये यूज किया इस डिस्कवरी के लिए। सब मून्स छोटे हैं, करीब 5 किलोमीटर डायमीटर में। 17 जो है वो रेट्रोग्रेड है, मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के सैटर्न से। और 3 जो है वो प्रोग्रेड है, मतलब वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है सैटर्न का उसी के साथ घूम रहे हैं। उसमें से 2 जो है वो करीब बहुत अंदर है, उसमें से 17 जो बीच में आता है जो रेट्रोग्रेड है, और 1 जो बहुत यूनिक है वो प्रोग्रेड है और काफी बाहर। लाइक ये शायद सबसे आउटरमोस्ट मून होगा जो हम लोग ने ढूंढा सैटर्न का। अब इन्हें 3 ग्रुप्स में जनरली डिवाइड किया गया है, जो सैटर्न का मून सिस्टम है उसे किया गया है। सबसे अंदर वाला ग्रुप को इन्यूइट ग्रुप कहते हैं, जो बीच में है वो नॉस ग्रुप, और जो सबसे बाहर है वो गैलिक ग्रुप। अब ये सबसे बाहर जो प्रो ग्रेड मून मिला उसको गैलिक में डालेंगे या नहीं वो श्योर नहीं है, बट ये ग्रुप्स लार्जली जो कोलिजन्स हुए रहेंगे उसके ऊपर है। मतलब ये काफी क्लोज है ये सब मून्स, और उनके इस ग्रुप के सबके ऑर्बिटल पैरामीटर्स जो है जो बहुत सिमिलर है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ऑर्बिटल पैरामीटर्स में। तो ऐसा कहा जाता है कि ये 3 अलग कोलिजन्स हो सकते हैं या कोलिजन इवेंट्स हो सकते हैं अलग, इसलिए ऐसे ऑर्बिटल पैरामीटर्स सेम है। तो यही सैटर्न सिस्टम ऐसे डिवाइडेड है और इन 20 को ऐसे डिवाइड किया गया है। तो बाहर वाले वो काफी यूनिक है, क्योंकि पहले तो वो काफी बाहर है और ऊपर से प्रोग्रेड ऑर्बिट में है। तो शायद कोई नया इवेंट या कोई नया कोलिजन हुआ रहेगा, कुछ सालों में पता चल जाएगा जैसे रिसर्च चालू रखते हैं। एक क्वेश्चन मेरे को ट्विटर पे आया, जो है ये सडनली क्यों हुआ, इतने दिन से छुपे हुए थे क्या ये मून्स? ऐसे कुछ नहीं है, शेपर्ड सर को 2017 में भी ऐसे ही कुछ सिमिलर दिखा था, बट वो तभी प्रूव नहीं कर पाए। तो उनके हिसाब से अभी मॉडर्न कंप्यूटेशन टेक्निक्स के साथ इन्होंने काफी सालों का डेटा कंबाइन किया और कंक्लूड किया कि ये मून ही है। इनफैक्ट आप देख सकते हो इमेज स्क्रीन के ऊपर कि ये मूव हो रहा है, मतलब ये स्टार नहीं है, ये प्रोबेबली मून था। और जैसे जैसे हमारे पास नए टेलीस्कोप्स आते जाएंगे बड़े बड़े, वैसे शायद हमें इससे भी छोटे 1 किलोमीटर डायमीटर के मून्स भी ढूंढने लगे। तो अभी क्वेश्चन आता है कि कितने छोटे हो सकते हैं मून, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत।